इनसे मिले, ये हैं सोनिया। अच्छा जी, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये है नारा और ये है अरीबा। तो आज है हमारे दोस्त की, जैसे आपने थंबनेल देखा तो आपको पता चल गया है कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे। तो हम वो बर्थडे सरप्राइज हम सारे दोस्तों ने मिल के बनाया है इमार में, सही है, फूडी वर्ल्ड्स एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने एक बर्थडे प्लान बनाया अली अल बलूशी के लिए। जाहिर सी बात है हमारा इतना अच्छा दोस्त है, तो खैर अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ये सफ़र बहुत पीछे से स्टार्ट होता है, चलें फिर वहीं से। तो भाई आज सीन ये है कि आज है हमारे एक दोस्त का बर्थडे अली अल बलूशी का, तो हम सारे दोस्तों ने मिलकर अली के लिए एक इफ्तारी प्लान बनाया है, क्योंकि रमज़ान है, जाहिर सी बात है अब और तो कुछ हम प्लान कर नहीं सकते, रमज़ान है, रमज़ान की रिस्पेक्ट रखते हुए हमने कहा चलो अली की बर्थडे जो है ना इफ्तार पार्टी करेंगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं अभी घर से निकला हूँ बाकी दोस्तों की तरफ बाइक पे, मैंने सोचा चलो चलते चलते वीडियो भी बना लें। भाई सीन ये है कि अभी हम चलेंगे यहाँ से इनारा के घर, वहाँ पे हमारी एक और दोस्त अरीबा आएगी, तो मैं इनारा अरीबा गाड़ी पर निकलेंगे। और सुना क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? फिर अभी रमज़ान में कराची का जो ट्रैफिक होता है ना, अगर आप कराची से नहीं हैं तो आपको पता चलना चाहिए, इतना बुरा ट्रैफिक होता है, स्पेशली ये वाला जो टाइम होता है ना, असर का टाइम, असर से थोड़ा पहले, असर से थोड़ा बाद, ये वाला टाइम होता है बहुत गुस्से वाला, लोग इतने जज्बाती होते हैं, बात बात पर लड़ने भी आते हैं। चलो चाचा, ये देख यहाँ पे लोग इंडिकेटर लगाते ही नहीं है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई इंडिकेट करेगा। अरे तो भाई जब भी बाइक चलाओ तो कोशिश करो ये जो बेसिक नेसेसरीज है ना, ग्लव्स, हेलमेट, एटलीस्ट ये तो पहनो, क्योंकि ये एक्सीडेंट ऐसी चीज़ होती है जो बता के नहीं आती, तो अभी भी कहीं भी आ सकती है। ये देखो इतने क्लोज आ रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, बच्चे को बिठाया हुआ है, व्हाट इज दिस बिहेवियर चाचा? ये हमारे लियारी के रोड्स, रोड नहीं ऑफ रोड, ये देखो नदी। अभी हमने जाना है यहाँ से गार्डन, लियारी से गार्डन जाएंगे, फिर वहाँ पे अरीबा आएगी तो हम साथ निकलेंगे। फिर हमने असल में, अच्छा ये बात बताना भूल ही गए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जाना है इमार, इमार सी व्यू आई गेस, हाँ यही इमार होगा, दूसरा इमार तो अभी तक तो बन रहा है, दो दो दरिया की साइड पर, वो तो तैयार ही नहीं है। तो सारे दोस्त हैं हमारे, मस्करे का पूरा ग्रुप है, मस्करे एक फेसबुक ग्रुप है, सही है, मोस्टली मेंबर्स जो है ना वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि सबकी दोस्तियाँ हैं हमसे अली से, तो हम सब मिल बांट के हमने सोचा चलो चलो भाई, रक्षा तीसरे में तुम चौथे में गुम। मुझे नहीं लगता कराची में कोई ऐसा सड़क है जो 1 किलोमीटर तक हो और इसमें गड्ढा ना हो, लियारी एक्सप्रेस को छोड़ के कराची को कोई ऐसा सड़क बताएं जो 1 किलोमीटर तक स्ट्रेट हो और इसमें कोई गड्ढा ना हो, कहता संभालो। आज वैसे संडे है तो रोड में काली मिल गए, ये कैमरे मीटर काम नहीं कर रहा है, लगता है सफाई में जो ना मीटर का तार निकल गया, कल मैंने बाइक साफ की थी तो मीटर का तार निकल गया, मीटर नहीं चल रहा है, फिर
रहा सामने चलते हैं से PSA से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि यार पेट्रोल भी इतना महंगा है। 272 रुपीज़ एक लीटर, 1000 रुपये में एक गैलन नहीं आता। चलो भाई अब पेट्रोल जब भी डलवाएं तो बाइक से करके डलवाएं। यार यहाँ पे तो रश है, चलो छोड़ो आगे चलते हैं, आगे एक और पेट्रोल का पंप है वहीं से डलवाएंगे। अरे चपाटर बॉय, लाइफ में मैंने कभी एयर कट नहीं किए। बाइक जो ना मार्कांस निकलवाओ, इंडिकेटर निकलवाओ, ये जो ना मुझे समझ ही नहीं आता क्या सेंस बनता है इंडिकेटर्स और ब्रेक पट्टी एंड मार्कांस निकलवाने का। चलो भाई साजगार, ये मेरे मीटर का तार निकलता है ना तो निकल गया है ना, इससे मुझे ये आइडिया नहीं होगा कि मेरी बाइक चली कितनी है, क्योंकि मैं 1000 किलोमीटर के बाद जो ना पेट्रोल चेंज करता हूँ। तो 1000 किलोमीटर का मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मीटर चलेगा नहीं। ये रक्षे वाले जो होते हैं ना उनको जहाँ दिल करे वहीं पे जाम कर देते हैं। ये है कराची, ये कराची का ट्रैफिक। मैंने बहुत बहुत पहले ये सोचा था कि यार YouTube पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर लूँ, तो मेरा चैनल वैसे भी बना हुआ था। मैं सोचा यार एक और चैनल चलाते हैं जिस पर हम इस तरह के वीडियोस डालें। तो जो हमारा पहले वाला चैनल है ना जो शहजाद मोहम्मद अली के नाम से, उसको हम सेपरेट रखेंगे, क्योंकि फोटोग्राफी से रिलेटेड एडिटिंग कलर ग्रेडिंग चाहिए फोटोग्राफी टिप्स, उसको उसी पर रखेंगे। और इस पर हम बुलाएंगे डेली लाइफ ब्लॉग्स। कराची में इतना कुछ है ना दिखाने को, ये देखो ये होता है इंडिकेट, ये सारे यूं घुमाते हैं ना, इसका मतलब ये इंडिकेट है जिनको इधर जाना। कराची में इंडिकेटर ऐसे ही यूज़ होता है, पता नहीं क्यों ये होंडा यूनिक और ये बाकी कंपनी वाले इतने बेवकूफ़ क्यों हैं, लाइटें लगा देते हैं। हाय हाय क्या है यार, ये देखो क्या टाइम है, ये बड़े होकर ये अपना टाइम याद करेंगे, जो बच्चे सामने जा रहे हैं ना बड़े होकर ये अपने ये मोमेंट्स याद करेंगे। यार याद हम टांगे पे बैठे रह करते थे रमजानों में। तो वैसे मैं बाइक भगा नहीं रहा, आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि ये घोपरो बात है अल्ट्रा वाइड है, तो इसकी वजह से लग रहा होगा कि यार ये कहाँ से बचा है कितना बचा। फासला बहुत है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, हर जगह मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे आराम से 2-3 फिट का डिस्टेंस है, 2-3 फिट के डिस्टेंस से मैं निकल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे भी 1.5 फिट, करके इंडिकेटर आऊँ क्योंकि हमें उल्टे हाथ पे जाना है सामने पेट्रोल पंप पे। ये चाचा तो पूरे खानदान लेके घूम गए 70 पे। ये लो हम पहुँच गए, यहाँ पे भी रश है, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। और या इसमें भी हम सोचने के लिए बाइक टूर करें। चाचा थोड़ा सबर करो मुझे जाने को, बाइक का सफर बस इतना ही था। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी प्रॉपर बाइक पे, फिर हम आप लोगों को घुमाएंगे शारे फैसल, सही है यूनिवर्सिटी रोड, ये लहरी की गलियां भी घुमाएंगे, सब जगह दिखाएंगे। आपका भाई आपको पूरा कराची घुमाएगा बाइक पे, फिर आपको पता चलेगा जो एक बाइकर पूरे दिन सर्वाइव करता है ना, और गाड़ी वालों को ये लगता है कि यार ये बाइक वाले हर जगह घुस जाते हैं, फिर उनको ये भी एहसास होगा कि यार हाँ कुछ जगहों पर हम भी गलत हैं, क्योंकि जो गाड़ी वाले होते हैं ना बहुत जगहों पे इंडिकेट नहीं करते, बस डायरेक्ट आ जाते हैं।
और हम बाइक वाले, देखो अच्छे बाइक वाले क्या करते हैं, वो हेलमेट पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं और इंडिकेट करते हैं, उनकी बैक लाइट प्रॉपर होती है। खैर मेरे बाइक का आज मीटर नहीं चल आज नहीं चल रहा था, फिर से चलेगा। हे गाइस चैनल टू माय वेलकम। हे गाइस लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो गाइस, अच्छा जी अभी हम पहुंच गए ये हिमार, हिमार एंटर हो गए। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स फूडी वर्स, यू नो ये बहुत ज्यादा हो गया गाइस। अभी हम ये हिमार, यार इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, ओ झूले क्या है क्या झूले हैं, झूला झूलना है आपको, चलो हम झूला झूलाते हैं। अच्छा जी फाइनली हम हिमार पहुंच गए। तो ये हमने ब्लैक क्यों पहना हुआ है, ओहो ये तो एक और राज है। सही है, अभी चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि यार यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिल रही है। यहाँ से आओ, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी हमें, मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है। तो खैर गाड़ी पार्क कर लिया, हवा भी चल रही है, बटन तो बंद करें। और ये दि ग्रेट अली अल बलूची, फैसल भाई, बाबर भाई। आईफोन होने का नुकसान, आईफोन होने का सबसे बड़ा नुकसान, आपका बर्थडे और आप दूसरों की वीडियोस बना रहे हो। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, मैं हर रमज़ान गरीबों को अफ्तारी कराता हूँ, तो आज भी अफ्तारी करा रहा हूँ। जितने भी है अपने जो है ताउन से जितने भी दे सकते हैं इन गरीबों के लिए। तो ये थी बलोशी की बर्थडे, हम सब ने साथ मिलके उसको जो है ना एक इवेंट दिया है, एक इफ्तारी दी। सही है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको गिफ्ट मिले और खुश हो गया। अच्छी बात है, दोस्तों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि दोस्त जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसी के साथ, दोस्ती के साथ इस व्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी तो मैं पहुंच गया अली अल बलूची की बर्थडे पे, ये हमारे सारे दोस्त जिन्होंने बलूची पहन, खत्म हो गया।